मंडल से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरों के लिए सिर्फ एक ही जगह बंसीधर न्यूज। और बंसीधर न्यूज अब यूट्यूब पर भी, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि पलामू से जुड़ी सभी ताजा तरीन खबरें सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं बंसीधर न्यूज। प्रस्तुत है समाचार। गढ़वा जिले के मीराल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थापित NRHM के कर्मचारियों द्वारा आज शाम में गढ़वा स्वास्थ्य विभाग के लेखा प्रबंधक अरविंद कुमार अकेला की COVID-19 के कार्य के दौरान हुई मृत्यु पर सरकार द्वारा घोषित COVID-19 के तहत बीमा राशि का भुगतान करने को लेकर कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में NRHM के कर्मचारियों का साथ यहां पदस्थापित सभी चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मियों ने देते हुए कैंडल मार्च में शामिल हुए। कैंडल मार्च CHC से निकलकर प्रखंड कार्यालय गेट तक गया। इस दौरान डॉक्टर अनिल साह, लेखा प्रबंधक दीपेश तिवारी ने कहा कि अरविंद अकेला की असामयिक निधन तथा सरकार की उपेक्षापूर्ण रवैया से हम सभी NRHM कर्मी मर्माहत हैं। कैंडल मार्च निकालकर सरकार को अल्टीमेटम दिया जा रहा है कि घोषणा के अनुरूप को COVID-19 के तहत अरविंद कुमार अकेला के परिजन को 50 लाख रुपए का भुगतान कराया जाए। सरकार व स्वास्थ्य विभाग उनकी मांग को नहीं मानती हैं तो कार्य बहिष्कार किया जाएगा। बता दें कि जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड स्तर पर NRHM के तहत नियुक्त कर्मचारी, पदाधिकारी व आयुष चिकित्सक ही कार्य को संभाल रहे हैं। COVID-19 की लड़ाई का बड़ा दायित्व भी इन्हीं के ऊपर है। कैंडल मार्च में डॉक्टर दीपक कुमार सिन्हा, डॉक्टर रंजन प्रसाद, डॉक्टर अनिल साह, डॉक्टर दिनेश यादव, BTM चंचल कुमार, दिलीप कुमार, गोवर्धन शर्मा, सुषमा पाल, ज्ञानवती कुमारी, तारामणि कुजूर, विजय कुमार, संदीप कुमार, रोशन कुमार, रंजीत कुमार, रविवार रंजन कुमार, चंदन कुमार सहित दर्जनों स्वास्थ्य कर्मी शामिल थे। इनकी भी ड्यूटी करते हुए हमारे लेखा प्रबंधक अरविंद कुमार अकेला जी का आकस्मिक निधन पर हम लोग काफी दुख प्रकट करते हुए सरकार द्वारा हम लोग मांग करते हैं कि उनकी जो इंश्योरेंस की बीमा है, यानी जो 50 लाख की सरकार घोषणा की थी, तो जल्द से इनको देने के उनके परिवार को काम करें। और अभी तो अभी हम लोग का ये अल्टीमेटम है सरकार को दे रहे हैं और मोमबत्ती शांतिपूर्वक रूप से यहाँ पर एक रैली के निकाला गया और इस शांति ढंग से हम लोग सरकार को वार्निंग दे रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पर अरविंद अकेला जी का जो निधन हुआ है उनके जो इंश्योरेंस में जो 50 लाख का जो मुआवजा देने की बात थी वो जल्द ही सरकार पूरा करें।